फेडरल पीएचडीपी में पैसे भी एलोकेट हुए हैं, लेकिन अभी तक इस पे ये टेंडरिंग प्रोसेस में नहीं गया, तो ये बहुत लाजिमी है। वो इसलिए कि अरनाई और संजावी के दरमियान रोड बहुत खस्ता हालत का शिकार है, और अरनाई से हैवी ट्रैफिक रोजाना, वहाँ से कोयले की गाड़ियाँ निकलते हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात है। और साथ साथ फिर ये रोड संजावी से लोरलाई तक, वहाँ जो NA-70 के साथ मुंसलिक किया जाता है दुखी के जो हैवी ट्रक्स सैकड़ों के हिसाब से रोड दिन के हिसाब से वो इस रोड से चलते रहते हैं, उन गाड़ी मालिकान को बहुत तकलीफ है। तो ये इसलिए मैंने अर्ज किया था कि ये जल्द से जल्द इसके टेंडरिंग प्रोसेस में चला जाए। और साथ साथ इसके करारदाद के साथ मैंने एक दूसरा करारदाद, ये तो इनकी मंजूरी तो हो चुकी है, हमारी आज की इस ईवान से सिर्फ ये गुजारिश थी कि ये ईवान मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करे कि एक काम जो मंजूर हो चुका है उसको एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। आज जो मैंने एक दूसरा करारदाद इसी कच्छ मोड़ से ज्यारत तक, ज्यारत से संजावी तक, ताकि वो जो NA-70 लोरलाई तक आया हुआ है ये भी NHA के हवाले किया जाए। तो इसके हक में मैं ये कुछ दोस्तों ने कहा कि करारदादों की अहमियत नहीं, हर एक करारदाद आते हैं, मैं कहता हूँ ये करारदाद बहुत लाजिम है। कुछ करारदाद इस तरह के होते यकीनन जिनकी फिजिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन इसका फिजिबिलिटी इसलिए बनता है कि ज्यारत शहर जो कि सारी दुनिया को मालूम है हमारी पूरी बलूचिस्तान में एक टूरिस्ट सिटी है, तो पूरे बलूचिस्तान में कोई और टूरिस्ट सिटी नहीं है, यही एक ज्यारत है। आपको पता है ज्यारत में तकरीबन ये हमारे जो कौमी दिन होते हैं वहाँ पे हजारों के हिसाब से गाड़ियाँ ज्यारत तक चलते रहते हैं। तो फिर ज्यारत वो शहर है, ज्यारत किसी तारुब के मोहताज नहीं, ज्यारत के जुने पर जो पूरे एशिया के दूसरे नंबर पर है उनकी जंगलात, और फिर कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह है वहाँ पे, और फिर ज्यारत की आब हवा जो गर्मियों में सारे लोग जाके वहाँ पे एंजॉय करते हैं, और फिर ज्यारत शेर सिर्फ ज्यारत के रहने वालों का नहीं है, ज्यारत के डिस्ट्रिक्ट वालों का नहीं है, ज्यारत शेर पूरे बलूचिस्तान की आवाम की है। वहाँ पे मैं ये साबित कर सकता हूँ हमारी जितनी भी एक्स पार्लियामेंटेरियन है, एक्स ब्यूरोक्रेट्स है, सब की वहाँ पे एक एक शानदार कोठी बनी हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत अहमियत का हामिल करारदाद है, तो मेरा ये दरख्वास्त इसलिए इस ऐवान से है कि इसको इत्तेफाक़ राय से मंजूर किया जाए। शुक्रिया।